स्टूडेंट्स, दिस इज मुन्ना सर फ्रॉम एसक्यू ट्यूटोरियल। एक्चुअली में मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उससे कौन कौन सी बीमारी होती है, जानवर में कौन कौन सी बीमारी पाई जाती है, उसके वजह से प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारी पाई जाती है, हार्मफुल माइक्रोब्स कौन है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग एक टॉपिक पे चल रहे हैं कि फूड प्रिजर्वेशन। एक्चुअली में फूड जो है हमारा, उसको प्रिजर्व भी हम लोग करते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसको हम लोग दो दिन चार दिन या अपने आवश्यकता के अनुसार यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसे उसको हम छोड़ देंगे तो वी नो दैट हवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे वो स्पॉयल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं। तो प्रिजर्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस पर पढ़ेंगे। फूड गेट्स स्पॉयल्ड व्हेन इट इज अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर भोजन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो ये स्पॉयल हो जाएगा। तो स्पॉयल्ड फूड जो है ऑफ फ्यूल स्मेल, उसमें कुछ स्मेल आ जाएगा, बदबू आ जाएगा और टेस्ट उसका कुछ खराब हो जाएगा। समटाइम्स उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इट और अगर हम स्पॉयल फूड खा भी लेते हैं तो ये हमें बहुत सारे बीमारियाँ, आई मीन सबसे मेन फूड पॉइजनिंग कर देगा। तो फूड पॉइजनिंग जो है कैन बी कॉज वोमिटिंग, इससे क्या होगा, वोमिट होगा, डायरिया हो जाएगा, आई मीन लूज मोशन में आ जाएंगे, एडमिनल पेन और पेट के जो एडमिनल में है पेन दर्द करेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एयर, वाटर एंड वार्म फॉर ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए पानी, हवा और गर्मी की आवश्यकता होती है। फूड जो है कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉयल्ड बाय द प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने से रोकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर। वेक्टर क्या है, मैं आपको कल बताया था, एन ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारी को एक दूसरे तक पहुँचाने का काम करता है, लाइक मॉस्किटोज क्या हुआ, वेक्टर हो गया। नाउ कम्स टू द पॉइंट, तो यहाँ पे आते हैं द प्रोसेस, देख सकते हैं आप लोग, द प्रोसेस बाय विच स्पॉयलेज ऑफ फूड, मतलब भोजन को स्पॉयल करना, फूड इज प्रिवेंट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। स्पॉयल होने से बचाना ही फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। सॉरी, द प्रोसेस बाय विच स्पॉयल्स फूड इज प्रिवेंटेड, यानी कि स्पॉयल होने से भोजन को बचाना ही फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। अब लेट अस डिस्कस सम कॉमनली यूज मेथड्स जो है, जो सामान्यतः यूज होते हैं। हम सबसे पहला यूज करते हैं, उसको सुखा देते हैं, धूप में देखते हैं, अचार उचार बनाने से पहले आप लोग उसको धूप में सुखाते हैं, या कोई फसल को धूप में सुखा देते हैं, उसमें कीड़ा मकोड़ा खत्म हो जाता है। तो जैसे कि डिहाइड्रेशन बोलते हैं उसको, वेजिटेबल लाइक मिर्ची, लीव्स, स्पाइसेस, कॉलीफ्लावर, ये सबको हम लोग ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं, तो बाद में उसको हम लोग यूज़ भी करते हैं। डिहाइड्रेटेड फूड जो है सील्ड इन पैक्स, फिश एंड मीट आर प्रिजर्व बाय द स्मोक एंड हीट स्मोकिंग, ये सबको भी हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है फ्रीजिंग, जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, रेफ्रिजरेशन में रख देते हैं, फ्रीज में डाल देते हैं, इससे भी क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रुक जाता है, इसलिए भी ये भी हमारा प्रिजर्व होता है, लाइक मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब भी इस तरीके से प्रिजर्व करते हम लोग बचाते हैं। उसके बाद है आप देख रहे हैं पेस्टराइजेशन, इसको बोलते हैं पेस्टराइजेशन, ये जो होता है, दिस मेथड इज जनरली यूज टू प्रिजर्व मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए लोग यूज करता है। इस मेथड से क्या होता है, मिल्क को जो है सेम फिक्स 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता है 15 से 30 सेकेंड एंड देन कूल क्विकली, और उसको जल्दी ठंडा किया जाता है। दिस सडन चेंज इन टेम्परेचर के अचानक चेंज होने के कारण इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट्स देयर ग्रोथ, उसका ग्रोथिंग रुक जाता है। हनी भी, वाइन, जूसेज, ये सब जो है प्रिजर्व यूजिंग दिस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद पैस्चराइज्ड मिल्क जो होते हैं स्टोर इन स्टेरिलाइज्ड पाउचेज में, उसको बोटल्स में बंद करके उसको पैक कर दिया जाता है। नाउ अनदर, सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर्स, हम किसी चीज़ में सॉल्ट, नमक ऐड कर देते हैं, उससे भी प्रिजर्व होता है। सॉल्ट एंड शुगर आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, ये भी जो है किसी चीज़ को प्रिजर्व करता है स्पॉयल होने से। द सेल्स ऑफ माइक्रोब्स जो होते हैं लूज वाटर ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट, को जब आप कोई भी नमक किसी चीज़ में मिलाते हैं तब पानी छोड़ता है, लूज वाटर एंड शुगर भी, देयर बाई इनहैबिटिंग देयर ग्रोथ, और इससे उसका ग्रोथ रुकता है। जैसे कि पिकल्स, मीट, फिश प्रिजर्व बाई सॉल्टिंग, नमक डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है। जैम्स, सॉसेज एंड जेलीज भी
ये एडिंग शुगर चीनी डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है। नाउ बाय यूज ऑफ केमिकल्स भी हम यूज़ करते हैं भोजन को प्रिजर्व करने के लिए, केमिकल्स लाइक साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटा बिसल्फाइट जो है यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, टू प्रिजर्व जैम्स, ये सब कुछ जैम्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए। कैनिंग इन दिस मेथड से क्या होता है, कैनिंग भी एक मेथड है भोजन को प्रिजर्व करना, इससे क्या होता है फूड आर सील्ड इन ए कैन और हीटेड एट ए हाई टेम्परेचर अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस पे सील करके उसको गर्म किया जाता है, इससे भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। बाय द फूड इज स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स, जैसे कि आप चिप्स वगैरह का पैकेट फाड़ते हैं तो उसमें एयर टाइट कंटेनर्स होता है, इसमें भी ये फूड प्रिजर्वेशन प्रिजर्व होता है। और कैन नॉट फूड कैन बी प्रिजर्व बाय ईयर फोर ईयर्स, लेकिन इसका कुछ समय फिक्स होता है, उतना ही दिन तक आप प्रिजर्व रख सकते हैं। बाय वैक्यूम पैकिंग स्नैक्स कंटेनिंग ऑयल्स आर मार्क इन सील्ड एयर टाइट पैकिंग में, जैसे मान लीजिए कोई एयर टाइट करके पैक कर दिए, द एयर इज रिमूव बाई इवैक्यूएशंस एंड द पैक्ट इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन, और उसके एयर निकाल के किसी भी पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जैसे आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह, तो जो पैक रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, इससे भी आपका फूड प्रिजर्व होता है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो आप यहाँ पे बाई नाइट्रोजन साइकिल हम लोग कैसे समझते हैं, तो यार एक चीज़ देख लीजिए, एटमोसफियर से जो है, यहाँ देखिए एटमोसफियर से एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद समझ में आएगा, जो है दस नाइट्रोजन साइकिल हम कल समझा देंगे, सॉरी इसके बाद जो है आपका चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, एक रहने दीजिए इतना, धन्यवाद।